प्लांट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज होने जा रहा है मीशो हॉल, जिसमें कुछ मैं कुर्ती शेयर करूंगी और ऑफ कोर्स कुर्ती ही शेयर करूंगी और कुछ नहीं है इस वीडियो में। सो मैं चिकनकारी बानी क्रेप की कुर्ती जो मैंने ऑर्डर की थी अभी थोड़े दिन पहले, मीशो की सेल थे और मैंने पहन के भी देखी और आफ्टर वॉश मैं रिव्यू देने जा रही हूँ कि ये कैसी आपको मिलेगी और किस साइज़ अकॉर्डिंग आपको, किस साइज़ के अकॉर्डिंग आपको मंगवाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो साइज़ हमारा होता है कई कुर्तियों में वो साइज़ छोटा होता है और कई कुर्तियों में बड़ा होता है। सेम एक्सपीरियंस मैंने किया तो सेम एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वन बाय वन मैं जो कुर्ती है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले तो है ये ब्लैक वाली, ये बहुत ज़्यादा सिंपल ब्लैक क्रेप की कुर्ती है। मगर क्रेप का सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे जो लगता है वो ये लगता है, एक तो इसको वॉश करके कभी प्रेस नहीं करना होता, ये ऑलवेज़ ऐसी ही रहती है। सेकंड थिंग, इसमें साइज़ श्रिंक होने का कोई भी इशू नहीं होता। अब जो साइज़ मंगवाएंगे आप, इसको एक साल बाद भी वेयर करेंगे तो डेफिनेटली वही साइज़ आपको वही फिटिंग के साथ आपको मिलेगा। तो ये जो मैंने मंगवाया है वो है एक्सल साइज़ मैंने मंगवाया था इसमें, और एक्सल के हिसाब से ये मुझे लूज़ आई है। तो अगर आपका साइज़ एक्सल हो और तब आप इस कुर्ती में, इस जो मैं लिंक दे रही हूँ उसमें, कोड दे रखी हूँ उसमें, आप एल ऑर्डर करिएगा। तो ये पूरी प्रिंटेड कुर्ती है जैसे क्रेप में होता है और ये कुछ ऐसी है। मतलब ब्लैक तो ऑलरेडी सबको ही पसंद होता है और इसके साथ कंट्रास्ट करके आप रेड के साथ पहनेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये आप पास से देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ऑल ओवर ही ऐसा है। ये नहीं है कि कहीं से भी प्लेन है, ऐसा कुछ है। आगे तो आपको पूरा ऐसा ही मिलेगा, पीछे जो है आपको पूरी प्लेन मिलेगी। वो भी जाए ऐसी बात है, क्योंकि ये कुर्ती मुझे 130 रुपीज़ की मिली, तो 130 के हिसाब से, फ्री शिपिंग के हिसाब से, तो इतना तो इस अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाजू भी इसकी प्लेन है, गला जो होता है इन कुर्ती का छोटा होता है, तो अगर आप छोटे गले प्रेफर करते हो, रेडीमेड जो कुर्तीज़ हैं वो प्रेफर करते हो, तो आप इसको मंगवा सकते हो। बाकी मैं इसका ट्रायल जो है अब आपको लगा देती हूँ। अगली जिस कुर्ती की बात करने जा रही हूँ, अगेन क्रेप की कुर्ती है। मैंने मंगवाई थी अपनी ग्रीन कलर की लेगी के साथ, बट जब ये रिसीव हुई है तो आई डोंट थिंक सो कि ग्रीन के साथ मैच होगी। इसका भी कंट्रास्ट जो है वो रेड के साथ बनेगा। ग्रीन ज़्यादातर रेड के साथ बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो अगर ये कुछ ऐसी मुझे रिसीव हुई है, मैंने जब उस कुर्ती का साइज़ इशू देखा तो मैंने इसमें एल ऑर्डर किया, तो ये एल के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा ही सही रिसीव हुई, मुझे अच्छी लगी। और ये पूरी प्रिंटेड है, ये कहीं से भी ये नहीं है कि आधा प्रिंट हो, आगे पीछे इसका पूरा का पूरा प्रिंट है और ऐसे ही इसमें ऑल ओवर प्रिंट दे रखा है। पास से मैं इसका अगर आपको प्रिंट दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी है। इसके साथ जो मैंने मंगवाई थी वो कुर्ती का कॉम्बो था, उसका दूसरी का मुझे साइज़ छोटा आया था तो मैंने वो कुर्ती नहीं वेयर करी, और इसके साथ सेम ऐसा ही था, वो ब्लू कलर में था। तो ये आप कॉम्बो में भी मंगवा सकते हो, आप एक साइज़ अपर में मंगवाइएगा। और हो सकता है मुझे अगर गलती रिसीव हुई तो आपको भी हो, ऐसा नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप बाद में आप रिटर्न भी कर सकते हो। तो ये ऐसे थी, बाकी मैं आपको भी ट्रायल में दिखा दूँगी लगती कैसी है पहनने पर। अगली मैं कुर्ती की बात करूं तो वो है वन ऑफ द बेस्ट कुर्ती ऑफ माइन, जो कि है चिकनकारी कुर्ती। तो चिकनकारी कुर्ती आप सब जानते होंगे, बेसिकली जो चिकनकारी वर्क होता है वो जॉर्जेट के ऊपर होता है और जो पूरे का पूरा थ्रेड वर्क है उसी को चिकनकारी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगती है। आप जैसे आप कैजुअल फंक्शन में जाते हो या फिर आप पार्टी वेयर कब कहीं भी जाते हो तो ये बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम लुक देगी आपको। तो ये कुछ ऐसी है और ये मुझे सबसे ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट लगी। वो क्यों? क्योंकि ये जो कुर्ती का प्राइस था
वो 432 रुपीज़ था। मैं आपको प्राइस मेंशन कर दूंगी। इस प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैंने जो इसमें एक्सेल साइज़ मंगवाया है, आपको भी चाहिए कि आप एक साइज़ में अपर ही मंगवाएं। मेरे एल था और मैंने एक्सेल इसलिए मंगवाया क्योंकि जो ये जॉर्जेट है वो खिंचता है कपड़ा, तो अगर आप ज़्यादा ही फिटिंग का पहनेंगे और अगर ये एक बार खिंच गया तो आपकी पूरी की पूरी कुर्ती के प्राइस जो वेस्ट हो सकता है, इसलिए आपको जो है एक साइज़ अपर मंगवाना चाहिए। और बैक की बात करूँ तो बैक में भी इसके वर्क दे रखा है, आप देख सकते हो बैक में भी इसके थ्रेड वर्क है और नीचे तक प्लेन है, और जो साइड्स में है साइड में आपको ऐसा दे रखा है, पूरा साइड में भी आपको थ्रेड वर्क मिलेगा। मोस्टली लोग जो हैं इसे वाइट के साथ वेयर करते हैं, बट मैं वाइट इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, तो मैंने इसके साथ रेड वेयर किया। ये इसकी इनर है, इनर जो है वो एक्सेल के अकॉर्डिंग बड़ी है, और मगर आप इसको एक स्टिच करवा सकते हो। तो ये कुछ इनर थी। इनर का हमेशा कपड़ा छोटा आता है, आप सब जानती होंगे, कुर्ती में आप जब भी चिकनकारी कोई भी कुर्ती ऐसी मंगवाते हैं जिसके साथ इनर होती है, तो इनर का साइज़ हमेशा छोटा होता है। तो इनर है, प्लेन इनर है एकदम, आप देख सकते हो, और आगे पीछे सेम गला है। उसका गला जैसे छोटा था मगर इनर का गला थोड़ा सा बड़ा है, बैक से भी कह सकते हो और फ्रंट से भी सेम गला है, आप कैसे भी इसको वेयर कर सकते हो। बाकी मैं आपको ट्रायल अभी दिखा दूँ। अगली जो कुर्ती है वो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, और इसको मुझे पहनने का एक बार भी अभी तक मौका नहीं मिला। अगेन इशू वही है कि ये वाइट है और वाइट में ज़्यादातर प्रेफर नहीं करती, जो कि मुझे एक्चुअली मंगवाने से पहले सोचना चाहिए था। इसका जो है कॉलर वाला गला है और इसके फ्रंट पे आप देख सकते हो इतना प्यारा लेस का, मतलब लाइक थ्रेड का वर्क है, और जो इसमें बीच बीच में स्टोन सिप्पियाँ लगा रखी हैं वो इतनी शाइनी लुक दे रहा है इसे, तो कहीं से भी आपको गला जो है इसका निराश नहीं करेगा। अगेन एक्सल साइज है। इसका जो हाथ पे आप पूरा पूरा बांधनी प्रिंट देख सकते हो। अब वॉश करने के बाद इसका प्रिंट निकलता है कि नहीं, आप चाहो तो मैं अगली वीडियो में इसका वॉश करके बता दूंगी कि कैसा रहता है, बट ये थोड़ा सा ना कपड़ा मुझे चुभने वाला लगा, क्योंकि इस पे जो बांधनी प्रिंट है वो डेफिनेटली प्रिंट कर रखा है, तो पेंट की वजह से थोड़ा सा चुभ रहा है। तो इस चक्कर में थोड़ी सी ये कुर्ती मुझे निराश कर रही है। अदरवाइज के गले का डिज़ाइन देख के तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप इसको टाइप कर सकते हो वाइट कलर के साथ, लाइट पिंक कलर के साथ दुपट्टा मैच करके, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। बाकी मुझ पर कैसी लगती है मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये था मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही मेरी हर वीडियो में मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। थैंक यू सो मच।